आपके कपड़ों का यानी कि आपकी ड्रेसेस का आपके ओवरऑल अपीयरेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि इंसान एक ही होता है लेकिन किसी पर्टिकुलर ड्रेस में उसकी हाइट थोड़ा ज़्यादा नज़र आती है और किसी दूसरी ड्रेस में थोड़ा सा उससे कम नज़र आती है। तो जिनकी हाइट ऑलरेडी अच्छी है उनको इन चीज़ों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी हाइट थोड़ा सा कम है वो आज का वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि आज का वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 8 टिप्स जिन्हें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं कि कुर्ती बनवाते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आपकी जो हाइट है वो ओरिजिनल हाइट से ज़्यादा नज़र आएगी। टिप नंबर 8 के अकॉर्डिंग कुर्ती बनवाते टाइम फुल स्लीव्स और चूड़ीदार स्लीव्स बनवाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो आपकी बाजुएं होती है वो ज़्यादा लंबी नज़र आती है। इसके अलावा वी शेप का नेक बनवाइए, उससे क्या होगा कि आपकी जो गर्दन है वो लंबी नज़र आएगी। अगला टिप आता है टिप नंबर 7। इसके अकॉर्डिंग जब भी आप कपड़े सेलेक्ट करते हो यानी कि कुर्ती सेलेक्ट करते हो तो कोशिश कीजिए हमेशा वर्टिकल लाइंस के ही कपड़े सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसमें आपकी हाइट ज्यादा नजर आती है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइंस यानी कि जो स्ट्रेट लाइंस होती है वो आपकी हाइट को ज्यादा हाईलाइट करके दिखाती है, दूसरी तरफ जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो कम हाइट की गर्ल्स को अगर लाइनिंग वाली ड्रेस या फिर लाइनिंग वाली कुर्ती बनवानी है तो प्रेफर कीजिए हमेशा स्ट्रेट लाइन की कुर्ती को एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगले टिप की अगर हम बात करते हैं तो वो तब अप्लाई होता है अगर आपको अपने लिए अनारकली कुर्ती बनवानी है। उस केस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप अनारकली कुर्ती बनवाओ तो आपका अपर पार्ट कुर्ती का और लोअर पार्ट सेम कलर का होना चाहिए, ना कि डिफरेंट कलर्स का। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वहां पे अनारकली कुर्ती में दो डिफरेंट कलर्स यूज हुए हैं, उससे क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की हाइट है वो डिवाइड हो जाती है। तो कोशिश कीजिए जब भी आप अनारकली कुर्ती बनवाते हो या फिर बनी बनाई लेते हो अपने लिए तो एक ही कलर का उसमें अगर यूज हुआ है तो वो आपके लिए बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू टू डिफरेंट कलर्स। इसके साथ साथ आपको कुर्ती के बॉर्डर का भी ध्यान रखना है, ज्यादा ब्रॉड वाला बॉर्डर आपको नहीं बनवाना है, उससे भी आपकी हाइट काफी कम नजर आ सकती है। हाइट को ज्यादा दिखाने के लिए आप टिप नंबर 5 का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉन्ग कुर्ती के साथ लॉन्ग एथनिक जैकेट्स का यूज कर सकते हो। ऐसी लॉन्ग जैकेट्स आप मार्केट से भी खरीद सकते हो, इसके अलावा घर के आसपास अगर कोई बुटीक है तो वहां पे आप इनको बड़ी ही आसानी से कस्टमाइज करवा सकते हो। इस जैकेट को बनवाने के लिए वैसे तो आप अपनी चॉइस का कोई भी फैब्रिक यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक लेके ये वाली जैकेट बनवाते हैं तो वो आपकी ज्यादा अच्छी जैकेट बनके रेडी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कम हाइट की लड़कियां लॉन्ग कुर्ती के साथ लॉन्ग जैकेट्स कैरी करती है तो उनकी हाइट ज्यादा नजर आती है। तो ये हो गया हमारा टिप नंबर 5। इससे अगला टिप आता है टिप नंबर 4। इसके अकॉर्डिंग अगर आप मोनोक्रोमेटिक पैटर्न अपनी ड्रेसेस में ट्राई करते हो तो आपकी हाइट डेफिनेटली ज्यादा नजर आएगी। मोनोक्रोमेटिक पैटर्न से यहाँ पे मेरा मतलब है सेम कलर्स का अपर एंड बॉटम, यानी कि आप जिस कलर की भी कुर्ती अपने लिए बनवा रहे हो उसको अगर आप पेयर करते हो प्लाजो के साथ या तो फिर लेगिंग्स के साथ तो कोशिश कीजिए सेम कलर की प्लाजो या फिर लेगिंग को यूज करें। डेफिनेटली मोनोक्रोमेटिक पैटर्न भी आपकी काफी हेल्प करता है हाइट का इल्यूजन क्रिएट करने में, और ऐसी कुर्तीज के साथ आपको कंट्रास्ट दुपट्टा यूज करना है, क्योंकि अगर आप सेम कलर का दुपट्टा यहाँ पे यूज करते हो तो आपका लुक काफी डल सा नजर आ सकता है। मेरे पास कुछ गर्ल्स के ऐसे भी मैसेजेस आते हैं कि दी हमारी हाइट बहुत ज्यादा है, हम किस टाइप की ड्रेसेस पहने कि हम थोड़ा सा मीडियम हाइट के लगे। तो गर्ल्स ये वाला टिप उनके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको गलती से भी मोनोक्रोमेटिक पैटर्न यूज नहीं करना है। इसी सीरीज में हमारा टिप नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुर्ती को पेयर करते हो जीन्स के साथ तो कोशिश कीजिए हमेशा स्लिट कुर्तीज कैरी करने की, क्योंकि स्लिट कुर्ती में भी आपका हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है। आप चाहो तो फ्रंट स्लिट कुर्ती यूज कर सकते हो, उसके अलावा आजकल साइड स्लिट की जो कुर्तीज है वो भी काफी ट्रेंड में है। यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है और वो ये है कि आपको हमेशा हाई स्लिट कुर्ती का ही यूज करना है। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को लो स्लिट कुर्ती का भी यूज करते हुए देखा है, लेकिन वो आपके इस पर्पस को फुलफिल नहीं करेगी। तो कोशिश कीजिए हमेशा हाई स्लिट कुर्ती का ही यूज करने की। तो स्लिट कुर्तीज आपकी हाइट को ज्यादा दिखाने के साथ साथ काफी स्टाइलिश भी लगती है। टिप नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपकी कुर्ती का जो फैब्रिक होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक अगर आप सिंथेटिक फैब्रिक यूज करते हो या तो फिर सॉफ्ट सिल्क का फैब्रिक यूज करते हो तो उससे काफी फ्लोई जो कुर्ती होती है वो बनके रेडी होती है और उसमें आपकी हाइट डेफिनेटली ज्यादा नजर आती है। ऑन द अदर हैंड अगर आप फ्लफी वाला मटेरियल यूज करते हो तो वहां पे आपकी हाइट भी कम लगती है, उसके साथ साथ आप थोड़ा मोटे भी नजर आते हो। सिंथेटिक या फिर जो दूसरे फ्लोई फैब्रिक होते हैं उससे काफी अच्छी लेयर्स ऐड होती है आपकी कुर्ती में। सो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी अपने लिए कुर्ती बनवाते हो तो ऐसा फैब्रिक चूज कीजिए जिससे काफी अच्छी लेयर्स आपकी कुर्ती में ऐड हो जाए। लास्ट में आता है टिप नंबर 1, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स आपको अवॉइड करना है एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्तीज। जो हैवी एम्ब्रॉयडरी की कुर्ती रहती है उसमें आप फुले फुले से नजर आते हो, इसकी वजह से आपकी जो हाइट है वो और भी कम नजर आती है। ऑन द अदर हैंड आपको छोटे छोटे प्रिंट्स की कुर्तीज का यूज करना तो डेफिनेटली ये आपके पर्पस को फुलफिल करेगी। सो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आपसे मिलती हूँ नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। Till then you guys take care, stay happy and keep smiling. Yeah, yeah.